हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुवृक्ष। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हमने पहले डिस्कस करा था विटामिन ए के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बारे में। तो जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। विटामिन ए एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके पास एक विजुअल पिगमेंट था रोडोप्सिन का, जो कि रॉड सेल्स में मिलता था रेटिना के। और वो कैसे फॉर्म होता है? जब 11 सिस रेटिनल की बाइंडिंग हो जाती है एपोप्रोटीन ऑप्सिन के साथ। तो जब रोडोप्सिन एक्सपोज हो जाएगा लाइट की तरफ, तो वो ब्लीच हो जाएगा। जैसे उसकी ब्लीचिंग हो जाएगी, रेटिनल डिसोसिएट होके आइसोमराइज होके फिर वो रिड्यूस्ड हो जाएगा किस फॉर्म में? ट्रांस रेटिनॉल। तो ये जो रिएक्शन होता है, कैसे अकम्पनी करा जाता है, इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होती है। जैसे कि नर्व इम्पल्स होगी, वो कैसे प्रिसीव करी जाती है ब्रेन से? एज अ लाइट फॉर्म में। तो जो रॉड सेल्स होते हैं, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दैट इज़ फॉर द विजन इन द पुअर लाइट। तो जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, इट इज़ अ डिफेक्टिव नाइट विजन, या फिर मैं बोल सकती हूँ नाइट ब्लाइंडनेस। दैट इज़ अ कॉमन सिम्टम जो कि प्रेग्नेंट वीमेन में देखा जाता है। जैसे विटामिन ए होती है, वो ग्रोथ को इफेक्ट करती है, एपिथेलियल सेल्स की डिफ्रेंसिएशन को इफेक्ट करेगी। और अगर उसकी जो डेफिशिएंसी होगी, उससे क्या प्रोड्यूस होगा? एपिथेलाइजेशन में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, कैरेटोमाल्किया में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, कॉर्नियल की सॉफ्टनिंग होनी शुरू हो जाएगी और ऑपेसिटी हो जाएगी। तो इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो जो विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है, ये कॉमन कॉज था ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड का। तो सब क्लिनिकल डेफिशिएंसी से होता क्या है? और भी इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में चल रही है, और इवन उन पेशेंट्स के अंदर कॉमन है जिनको लीवर डिजीज़ है या फिर फैट की मैल अब्जॉर्प्शन है, जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस। जितने भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वेमेन होती हैं, वो सारे उन लोगों को क्या लगा होता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए डेफिशिएंसी हो रखी होती है उन्हें। तो जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप होता है, दैट इज़ आर द प्री मेच्योर इन्फेंट्स और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन होते हैं मदर्स के, हु देमसेल्व्स आर द विटामिन ए डेफिशिएंट। मतलब उनके अंदर विटामिन ए की कमी होना शुरू हो जाती है। तो जो विटामिन ए होता है, अगर उसको ज़्यादा लेंगे तो भी टॉक्सिक होता है। विटामिन ए टॉक्सिक होता है अगर हम उसको ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसके सिम्टम्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, हेडेक्स बढ़ जाएंगे, डबल विजन दिखना शुरू हो जाएगा, बोन और जॉइंट पेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाएगा और डायरिया हो जाता है और वॉमिटिंग हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल होता है टू विटामिन ए टॉक्सिसिटी बाय इंजेस्टिंग अ नॉर्मल फूड्स। जो टॉक्सिसिटी होती है विटामिन ए की, उससे होगा क्या? अगर टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा किससे आती है? अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं विटामिन ए के, अगर हमने ज़्यादा विटामिन ए ले लिया, इसका मतलब टेट्राजेनिसिटी आ जाएगी।